YouTube पर काम करते हो, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, अभी आपने स्टार्ट किया है, कुछ दिन हुआ है आपको अपने चैनल पर काम करते हुए, शायद हो सकता है 2 महीने हुए हो, 6 महीने हुए हो और अभी आप अपने चैनल पर 4000 घंटे कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। आपने अपने चैनल पर हो सकता है कि 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर लिया हो लेकिन आपका चैनल मोनेटाइज अभी नहीं है, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका चैनल आगे चलकर एक बार के अंदर मोनेटाइज हो जाए उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। मैं आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज बताने वाला हूं क्योंकि आज तक हमने 500 से ज्यादा चैनल मोनेटाइज कराए हैं, वो भी यूट्यूब पर, और खासतौर पर वो चैनल मोनेटाइज कराए हैं जो ने पहली बार में रिजेक्ट कर दिया। उनके चैनल पर क्या गलती थी, क्या वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको एक एक करके बताता हूं आपका चैनल किस कैटेगरी में है। आप अपने चैनल पर जाइए, अपने चैनल पर जाने के बाद आप देखिए आपका चैनल किस कैटेगरी में है। आपका चैनल अगर टेक कैटेगरी में है तो आप ध्यान रखिए कि अपने टेक कैटेगरी वाले चैनल पर आप म्यूजिक का या फिर कोई वीडियो ऐसी जो कि दूसरे कैटेगरी की वीडियो है और ज्यादा टाइप की है, चैनल आपका है टेक कैटेगरी में लेकिन आपके चैनल पर कुछ वीडियो ऐसी अपलोड है जो दूसरे कैटेगरी की है और वो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, तो उस वीडियो को प्राइवेट करके ही मोनेटाइज के लिए अप्लाई करना, तभी आपका चैनल एक बार में मोनेटाइज होगा, नहीं तो आपके चैनल पर प्रॉब्लम आ जाएगी, मिसलीडिंग मेटा डाटा लिखकर आ सकता है क्योंकि आपका चैनल किसी और चीज में है और आप अपलोड कुछ और कर रहे हैं तो मिसलीड कर रहा है, राइट, ये चीज ध्यान रखना। नंबर 2, आपके चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो ये बात ध्यान रखना कि जो थंबनेल में आपने लिखा है वो टाइटल में भी थोड़ा 1-2 वर्ड होने चाहिए और वीडियो के अंदर भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज मैच करते हैं तो आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ये तीनों चीज मैच नहीं करते तो ये ध्यान रखना, हो सकता है आपके चैनल पर आगे चलकर मिसलीडिंग मेटा डाटा आ जाए और आपके चैनल पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दे क्योंकि आपका चैनल फिर मोनेटाइज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 3, बहुत सारे चैनल पर आ जाता है लिखकर रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बना रखी है, डिटेल में बना रखी है, ऊपर जाओगे तो वीडियो देखने को मिल जाएगी, मैं यहां पर लिंक लगा दूंगा। लेकिन आपको बता दूं, रीयूज का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना या दूसरे की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देना रीयूज हो जाता है, ऐसा नहीं है। आपके वीडियो में वैल्यू क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, आपने अपने वीडियो में क्या वैल्यू ऐड किया है, वो वैल्यू अगर आपने ऐड कर रखा, अच्छे से ऐड करा है, तो आपकी वो चैनल मोनेटाइज होगा। अदरवाइज अगर आपने वैल्यू नहीं ऐड किया तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू मतलब ये हुआ कि मान लो ये मेरी एक पुस्तक है, ये मेरी एक पुस्तक है, ये डायरी है, अब इस डायरी पे मैं कुछ लिखूंगा ना तो वैल्यू हो जाएगा, डायरी पे लिख दिया तो कुछ वैल्यू हो गया, लेकिन अगर ये डायरी सिर्फ खाली रखूंगा तो इसमें वैल्यू नहीं है। इसका मतलब सिंपल सी बात हुई, आपने किसी की वीडियो ली और डायरेक्ट उठाकर अपलोड कर दिया तो वो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपने वीडियो ली, उस पर कुछ एडिट कर दिया, ऐड करा, अच्छे से कुछ नॉलेज डाल दिया और आपके व्यूअर को पसंद आने लगा तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। ये गलती बहुत लोग करते हैं जिनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता। अब आपके चैनल पर जब नए होते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि आपको क्या अपलोड करना चाहिए और क्या नहीं अपलोड करना चाहिए, तो मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि अगर आप नए हो और आप यूट्यूब चैनल पर काम करते हो, आपका चैनल अभी बहुत स्टार्टिंग स्टेज पर है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो मैं यहां पर एक ही बात बताना चाहूंगा, आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट करिए, बस आप एक बात ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी, निरंतरता बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके चैनल पर होनी चाहिए, आपके लिए होनी चाहिए। यह अगर आप काम करते हो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चलकर मोनेटाइज होगा। यह काम आपको करना है कंसिस्टेंसी और डालते रहना वीडियो, कुछ ना कुछ डालते रहना चैनल पर, ठीक है, यह बात ध्यान रखना। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि चैनल हमारा मोनेटाइज एक बार में तो हो जाएगा लेकिन हमें एडसेंस से पैसे कम मिलेंगे या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या कैसे होता है, सारी चीजें थोड़ा बता दो भैया। मैं आपको बताता हूं, आपने अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे और कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, 2-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है आपका, ये सारी चीजें एकदम ओके है, आपने मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया, मोनेटाइज हो गया। लेकिन उसके पहले जब मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया होगा तो सेकंड स्टेप में एक एडसेंस का लिखकर आता है, एडसेंस आपका बना होना चाहिए, एक एडसेंस एक चैनल के लिए यूज करना है, ये बात ध्यान रखना। अगर दूसरा चैनल यूज कर रहे हो तो दूसरा एडसेंस ओपन कर लेना, नया बना लेना, जिससे कि आगे चलकर दिक्कत ना आए। ये तो समझ में आ गया आपको बात। अब आगे आपको बताता हूं, आपके चैनल पर $10 कंप्लीट होने चाहिए। $10 जब आपके कंप्लीट होंगे तब आप अपने घर पर एक पिन मंगवा पाएंगे और यूट्यूब या एडसेंस ये वेरीफाई करेगा कि आप ओरिजिनल है, आपके पास ही ये पेमेंट जाएगी जो आप बता रहे हैं, हमें एड्रेस जो बताया आपने, तो आप पिन डालोगे फिर आप वेरीफाई कर लोगे, राइट, ये काम हो जाता है। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे चैनल पर डॉलर कब, मेरे अकाउंट में कब क्रेडिट होगा, राइट, तो डॉलर आपके अकाउंट में क्रेडिट जब होते हैं जब आपके चैनल पर ध्यान से समझिए, आपका चैनल और एडसेंस दोनों अलग अलग चीज है, मैं बताता हूं। चैनल पर आपके $100 कंप्लीट हो गए, अब ये $100 जो कंप्लीट हुए हैं ये आपके कंप्लीट हुए 30 तारीख को, राइट, $100 आपके YouTube चैनल एनालिटिक्स में दिखा रहा है कि $100 हो गए हैं, ये 30 तारीख के पहले पहले हो गया है। अब जो आने वाली 1 तारीख है, ये 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, ठीक है, वैसे तो 7 से 10 है, 11 है, लेकिन 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक आपके ये डॉलर जो है एडसेंस में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे,
एडसेंस में, ठीक है। अब एडसेंस में आपके 11 तारीख तक आते हैं, फिर एडसेंस क्या करता है, जो 11 तारीख तक आपके $100 अगर आ गए हैं आपके एडसेंस के अकाउंट में, तो उसे 21 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपके बैंक अकाउंट में भेजने का काम करता है। 21 तारीख से 26 तारीख तक, अगर 26 तारीख तक नहीं आता या उसके 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने बैंक में जाना। पहली पेमेंट अगर आ रही है तो जरूर खास करके ये काम कर लेना, बैंक में जाना, बैंक वाले को बताना भाई ऐसे ऐसी चीजें हैं, डॉलर मेरे आने वाले थे, प्लीज देख लो कहीं रुका हुआ तो नहीं है। तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा बैंक वाले को जब बता देते हो तो बैंक वाला अगली बार से जब भी आपकी पेमेंट आती है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है और आपका पैसा आपके पास आ जाता है। ये होता है एक प्रोसेस यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग से लेकर पेमेंट लाने तक, सारा प्रोसेस ऐसे ही होता है। और आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होता है तो मैंने बता ही दिया है, सारी चीज़ आपको डिटेल में बता दी है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई, वो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो सब्सक्राइब करना, इसलिए आपको बता रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। हर एक एंगल से समझाता हूँ, हर एक डिटेल में जानकारी देता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।